राजधानी पटना में सुबह सुबह हंगामा मच गया जब सड़क किनारे एक गड्ढे में दो बच्चों के शव होने की जानकारी मिली। गुस्सा और भड़क गया जब पीटकर हत्या करने की सूचना लोगों के बीच फैली। ये घटना बेउर इलाके में हुई है। आक्रोशित लोगों ने NH 30 के पास 70 फीट सड़क पर आगजनी कर खूब बवाल किया। लोगों का कहना है कि दोनों बच्चों की नृशंस हत्या की गई है। बच्चा के साथ क्या हुआ है यहाँ तो प्रूफ है कि चाकू मार करके हत्या कर करके डूबता तो उसका पेट फूलता, एथी फूलता, आँख में ताजा खून है, सब रस्सी गोर से गोरा हाथ बांध करके एथी है, उसका दरवाजा पर अभी रस्सी का प्रूफ है, तो ये लोग ये नहीं देख रहे हैं, सीधा कर रहे हैं कि खाली करवा दो रोड, क्यों खाली करवा दो? कल से दोपहर से 2 बजे से, कल 2 बजे से जी, तो आप लोग 2 बजे से खोजना शुरू। थाना में भी हम रिपोर्ट किया, थाना में भी किया, थाना में कही इसके 24 घंटे के बाद लिया जाएगा, पहले खोजबीन कीजिए। थाना उसमें नहीं नहीं कुछ नहीं बोला अभी तक, गर्दनी बाग थाना नहीं आया, न लिखा लिखा है। हाँ मीडिया ने आपके गर्दनी बाग थाना 12 घंटा तक कोई इंक्वायरी नहीं किया, नहीं थाना गए तो क्या हुआ? थाना का तो क्या हुआ? 24 घंटे के बाद हाँ, क्या आप अपना खोजबीन कीजिए। सादा पेपर पे क्या तो ये लिखवा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लिखवाया, लेकिन रिसीविंग नहीं दिया, कहा कि अगले दिन आइए 11 बजे। हाँ अगले दिन 11 बजे। आप लोग को किसी पे शक है? कंप्लीट ये एक्सेप्शन वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाले हैं ना, सारा खेल इन्हीं का है। कंस्ट्रक्शन वाले मतलब हाँ, क्या कारण, क्या लग रहा है कारण लग रहा है? ये बताएंगे ना, उनको बुलाया जाए, सामने आमने किया जाए, आमने सामने किया जाए, तब तो पता चलेगा। जमीन किसी और का है, प्रसाद के साला का है। क्या है? रविशंकर प्रसाद के साला का ही कंस्ट्रक्शन है, वो आएगा सब पुलिस वाले को पैसा देके शांत कर दिया है। अभी कह रहा है 30,000 रुपए लीजिए, प्रशासन बोला 30,000 लीजिए, शांत कीजिए मामला। प्रशासन पर पैसा दे रहा है, क्या चीज का ये? ठीक है, आप लोगों क्या डिमांड? हम लोग डिमांड है कि जो इसका मालिक है उसको बुलाइए, अरेस्ट कीजिए, नहीं तो हम लोग पास सौंपिए बॉडी, उस आदमी को सौंपिए। रविशंकर प्रसाद एक नंबर का चोर है, अभी तक चेक किया है, कहीं भी चेक नहीं किया है। रात में प्रशासन को बोले हैं तो रात में कैमरा एक जगह आके चेक किया, मोहल्ला में ओकरा बात कर रहा है कि सुबह में चेक होगा कैमरा, कहीं नहीं प्रशासन अभी तक कैमरा दिखा रहा है। रात में प्रशासन सपोर्ट नहीं किया? नहीं, रात में आया प्रशासन, तनमनी आया मोहल्ला में देखा है, बस चला गया है, बोला कि सुबह में कैमरा चेक होगा। प्रशासन को सब बात पता है, लेकिन ये लोग प्रशासन कुछ भी है एक्शन नहीं ले रहा है, अभी तक नहीं है एक्शन। ये लोग कह रहे पैसा लीजिए, मामला शांत कीजिए, प्रशासन अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है। हम इन लोग को 10 लाख रुपए देते हैं, ये लोग करेंगे कुछ? दरअसल राजधानी पटना में बेउर थाना क्षेत्र में दो बच्चों का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद हुए। दोनों बच्चे 2 दिनों से लापता थे, वहीं शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की पीट कर हत्या कर दी गई है और शवों को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। कैसे, क्या पता चला आपको, बताइए? हमको सुबह में कल से हम पता लगा रहे हैं सर, पता चला कि कब से वो गायब था? कल 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद वो गायब है सर। अच्छा, तो पता चला कि बाईपास की तरफ भैंस के पीछे पीछे 3-4 गो लड़का सब गया है, तो हम लोग खोज ही रहे थे उधर, नहीं पता चला, चारों तरफ भीड़ दिया, लास्ट में जाके हम लोग थाना में कंप्लेन करने गए। रात में पन्ना नहीं था, एगो पन्ना मिला, उसी में दोनों आदमी का कंप्लेन लिखा गया एक ही कागज पर। अच्छा। और वो फोटो दे दिया अपना मोबाइल में, जो वहाँ थे मुंशी जी, वो फोटो ले लिए दोनों का, हम लोग अपना मोबाइल से दिए। आप कल से खोज रहे थे, तो कल थाना गए थे आप? हाँ, रात में गए हैं। अच्छा, 11:30 बजे। क्या बोले थाना पर? वो रिसीविंग कहे तो कहीं नहीं कि रिसीविंग, अगर नहीं सुबह में आके ले जाइएगा। एगो इनका फोटो था, अब मेरा फोटो छोटका नहीं था सर, मोबाइल वाला बड़का फोटो था, तो हम दे दिए थे मोबाइल में। अच्छा। और छोटका फोटो नहीं था, कहें कि सुबह में ले के आइएगा, सुबह में ले लीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? फोन बच्चा दोनों कहाँ के रहने वाले? दोनों सरिश्ताबाद का है। दोनों सरिश्ताबाद? दोनों सरिश्ताबाद का है। क्या नाम है उनका? एगो के विवेक कोचिंग, एगो विवेक, एगो विवेक नाम है, एगो को प्रत्युष कुमार नाम है। अच्छा, पिताजी का? पिताजी का विकास कुमार। अच्छा, एक बच्चे का, दूसरे बच्चे का? दूसरे बच्चे का विनोद, विनोद बच्चे का ना, पिताजी का, पिताजी का, बच्चे का विवेक, विवेक। दोनों कहाँ कराने वाले थे? सरिस्ताबाद। हाँ, दोनों सरिस्ताबाद के कच्ची तालाब। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने सड़क पर आगजनी की और रोड जाम कर दिया। आक्रोशित लोग वारदात को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हंगामे की सूचना पाकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। फिलहाल लोगों का हंगामा जारी है।
पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।